अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? वो आप सब ठीक होंगे? ठीक है। आज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन लिवर। ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन लिवर पे आते हैं तो पहले हम लोग जो है बेसिकली लिवर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग इट्स फंक्शन। ठीक है। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। बेसिकली हमारे पास जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, और इसको ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट सीक्रेट, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इन द बॉडी। अच्छा, इट सीक्रेट मेनी हार्मोन्स, इस वजह से हम लोग उसको बेसिकली क्या कहते हैं, वी विल आल्सो कॉल देम ग्लैंड। अच्छा, इट इज लोकेटेड, वेयर इज इट्स लोकेशन? ठीक है, बेसिकली इसकी लोकेशन क्या है, अगर मैं आपको बताऊं कि इट इज सिचुएटेड, ठीक है, इन द अपर एंड राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इमीडिएटली बीनीथ द डायफ्राम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द, अगर मैं डायग्रामेटिकल करवाऊँ, दैट इज द एब्डोमिन। ठीक है, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये है एब्डोमिन, यहां पर होता है बीच में, मैं आपको ले लूं, दैट इज व्हाट, दैट इज द डायफ्राम। ठीक है, अगर मैं इसको आपको यहाँ पे शो करूं, सो दैट इज द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे, ठीक है, और बेसिकली कहां पर मौजूद होगा, अपर राइट साइड। सो फॉर एग्जांपल माय लेफ्ट इज योर राइट। ठीक है, सो ये जो एरिया है राइट साइड वाला, इस एरिया पर हमारे पास क्या मौजूद होगा, दैट इज मौजूद होगा लिवर। अच्छा, आते हैं फंक्शन पे। फर्स्ट वन फंक्शन इज द मेटाबॉलिक फंक्शन, क्योंकि हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पहला जो फंक्शन होगा वो हमारे पास किससे रिलेटेड आएगा, मेटाबॉलिक फंक्शन पे। सो मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करेगा, प्लस प्रोटीन की करेगा, प्लस फैट्स एंड वाइटामिन की, एंड मेनी हार्मोन कैरिड आउट इन द लिवर। द लिवर रिमूव्स, ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज। अब जो बहुत ज्यादा एक्सेस ग्लूकोज की क्वांटिटी है, इसको रिमूव करेगा फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, और स्टोर करेगा अपने आप के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन। जब हमें इस चीज को जरूरत होगी, ठीक है, तो इट कन्वर्ट ग्लाइकोजन बैक इनटू द ग्लूकोज। हमारे पास यही ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज फॉर्म में होगा। सो ये जनरल मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू करवाती हूँ। ठीक है, अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले में देखिए बच्चे, आप लोग को मैंने जनरल बताया है कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज द वन, दैट इज द सेकंड वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट इज द थर्ड वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो ये तीनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैनी, ठीक है, ये तो मैंने आप लोग को समझाना है, लेकिन ये हमारे पास सो ऑन। अब इसमें जरूरी नहीं कि आपके पास मैंने तीन ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर, ठीक है, एक कंपोनेंट बनाएगा और सो फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। और यही ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में फिर हमारे पास किस फॉर्म में होगा, दैट इज इन द स्टोरेज फॉर्म। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आते हैं दूसरे पार्ट पे, स्टोरेज फंक्शन। अच्छा, लिवर जो है वो स्टोर करता है अमाउंट ऑफ विटामिन ए डी। ठीक है, लिवर बेसिकली स्टोर किसको करेगा, विटामिन ए को, ठीक है, एंड विटामिन डी, प्लस हमारे पास विटामिन ई के एंड विटामिन बी12। ठीक है, विटामिन बी12 को भी स्टोर करेगा, एज वेल एज इट आल्सो स्टोर आयरन एंड कॉपर। आयरन और कॉपर को स्टोर करने का काम भी इसका है। द लिवर आल्सो स्टोर्स विटामिंस, लिवर जो है वो स्टोर्स करता है विटामिन को, ठीक है, एंड केमिकल को दैट रिक्वायर। अब ये हमारे पास रिक्वायर किस फॉर्म में होगा, बॉडी रिक्वायर होगी इसको बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि हर एक चीज का अलग फंक्शन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करवाती हूँ। फर्स्ट वन फंक्शन इज द विटामिन बी12। अच्छा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन बी12? विटामिन बी12 जो है वो रेड ब्लड सेल्स को क्या करेगा, वो मिच्योर करेगा। ठीक है, अब हाउ ये इसको मिच्योर कैसे करता है,
ठीक है, इसको मैं करवाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स जब बन जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास इमेच्योर होते हैं. अब इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स को कन्वर्ट कौन करता है? दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर रेड ब्लड सेल्स. अब मैच्योर आरबीसी जो होती है वो हमारे पास फिर फंक्शनल होती है, मतलब आप इसे पे काम लेते हो, ठीक है. इसके बगैर फिर आप मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के अलावा आपके जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स है उसमें न्यूक्लियस होता है तो वो फंक्शन नहीं करता. तो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है? दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? देन द दिस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट वन फंक्शन पे आते हैं. अच्छा, नेक्स्ट वन क्या करेगा? इट आल्सो स्टोर फॉलिक एसिड. अब बेसिकली इसका काम क्या है कि फॉलिक एसिड को स्टोर करता है. अच्छा, व्हाट इज द, कुछ लोग कहते हैं कि फॉलिक एसिड जो है और ये जो विटामिन B12 है बोथ आर सेम. ठीक है, हमारे पास याद रखें कि विटामिन B12 एंड फॉलेट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड. और इसको हम लोग क्या कहते हैं? विल कॉल्ड व्हाट? विटामिन B9. बोथ आर ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे पास कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन द बॉडी. अब आपकी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, आप उसको मस्ट भी क्या करते हो? देते हो डाइट के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट वन है आयरन. अब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आयरन? ठीक है, अब आयरन रिक्वायर टू मेक रेड ब्लड सेल्स. अब आपके पास आयरन रिक्वायर क्या करेगा कि ताकि रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करेगा. सेकंड नेक्स्ट वन फंक्शन इज क्या है कि विटामिन ए जो है वो आपको देखने में हेल्प करता है. दूसरा फंक्शन है विटामिन ए जो है वो विजन में हेल्प करेगा. ठीक है, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज विटामिन के टू हेल्प ब्लड क्लॉट प्रॉपरली. अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग में हमारे पास कैल्शियम और विटामिन के जो है वो एज अ क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं. ठीक है, और जो लास्ट वन आते हैं द नेक्स्ट वन इज अ सिंथेटिक फंक्शन. अच्छा, व्हाट इज मीन बाय सिंथेटिक? सिंथेटिक का मतलब यहाँ पर हम लोग लेंगे प्रोडक्शन. कोई भी चीज प्रोड्यूस करने का काम, ठीक है, सिंथेटिक का यहाँ पर हम लोग फंक्शन क्या लेंगे? दैट हेल्प इन द प्रोड्यूस, कोई चीज को प्रोड्यूस करने का काम ये क्या करेगा? दैट इज अ सिंथेटिक फंक्शन. अच्छा, लिवर के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी विल कॉल देम व्हाट? हेपेटोसाइट. ठीक है, यहाँ पर जो लिवर के सेल्स होते हैं इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड हेपेटोसाइट. व्हाट इज दैट हेपेटोसाइट? वर्ड हेपेट अराइज फ्रॉम वर्ड लिवर. ठीक है, एंड साइट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मैनी ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन को बनाने का हाँ काम करेगा. ठीक है, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस करता है इन द बॉडी. ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मैनी फंक्शन इंक्लूडिंग ब्लड क्लॉटिंग. अच्छा, रिमेंबर प्लाज्मा प्रोटीन जो है, ठीक है, लाइक एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्लस हमारे पास क्या है? एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन इज व्हाट? दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन. यहाँ पे दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन. तो प्लाज्मा प्रोटीन को सिवाय इसको बनाने का काम कौन करता है? ये हमारे पास कौन बनाएगा? दैट इज द लिवर और एल्ब्यूमिन इज द प्लाज्मा प्रोटीन. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इट रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लूइड विद इन द सर्कुलेशन सिस्टम. ठीक है, अब व्हाट इज द मेन फंक्शन? हमारे पास एल्ब्यूमिन जो होता है वो ब्लड में होता है और बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का काम किसका है? दैट इज द प्रोटीन. ठीक है, दूसरा आते हैं लिवर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग. अच्छा, ऑफ व्हाट? कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा प्लस हमारे पास किस चीज को बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड को. ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन किस सेल्स में है? लाइक ग्लाइकोजन. इसको मैं यहाँ पर आप लोग को करवा भी देती हूँ. ठीक है, ऊपर मैं आप लोग को लिखवा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए कि जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड. अब ये जो ग्लाइकोजन है ये दोबारा जब हमें नीड होगी, हमारी डिमांड होगी, तो इसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होता है. तो ये कहाँ पे होगा? दैट इज डन इन द लिवर.
इस वजह से यहाँ पर मैंने आप लोग को एक वर्ड यूज किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो प्रोड्यूस इन द लिवर. क्यों? क्योंकि जो ग्लाइकोजन है ये हमारे पास कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा? ग्लूकोज फॉर्म में. यहाँ तक समझ आ गई है? हम लोगों ने थ्री मेन फंक्शन पढ़े, ठीक है. पहले फंक्शन क्या था? मेटाबॉलिज्म. सेकंड फंक्शन क्या था? स्टोरेज, मतलब ये चीजों को स्टोर करने का काम भी करता है लिवर. थर्ड वन फंक्शन क्या था? सिंथेटिक. सिंथेटिक का मतलब क्या होगा कि लिवर के सेल्स के अंदर जो है वो हमारे पास वो मुख्तलिफ चीजें प्रोड्यूस करते हैं लाइक प्रोटीन. अब प्रोटीन में क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? जो मेन कंपोनेंट है प्रोटीन में वो हमारे पास कौन सा प्रोटीन है? ये वाला एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है. तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, प्लस हमारे पास मेंटेन करेगा फ्लूइड को ब्लड के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को हेल्प करेगा प्रोडक्शन में. इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है इट्स आल्सो प्रोड्यूस इन द लिवर. क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अच्छा, सिक्रीशन ऑफ बाइल, दैट इज द फोर्थ वन फंक्शन ऑफ द लिवर. अच्छा, द लिवर ऑल्सो मेक बाइल, ठीक है. लिवर हमारे पास क्या करेगा? बाइल को प्रोड्यूस करता है, बाइल, ठीक है, दैट हेल्प विद द फूड डाइजेशन. अब फूड डाइजेशन में क्या कर, फूड डाइजेशन में ये हेल्प करता है हमारे पास. कौन हेल्प करेगा? लिवर. अच्छा, बाइल का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है? इट इमल्सिफाई फैट. फैट की इमल्सिफिकेशन, हाउ फैट इज इमल्सिफाई, मतलब हमारे पास यहाँ पर फैट को डाइजेस्ट करने का काम किसका है? दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द बाइल, ठीक है. तो इसको अगर दैट इज द बाइल है, और बाइल क्या करता है? इमल्सिफाई करता है किस चीज को? फैट को. अच्छा, इस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होगा? इट्स मीन के ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ठीक है. ब्रेक डाउन ऑफ फैट. अब ब्रेक डाउन ऑफ फैट को किस चीज में कन्वर्ट करता है? फैट के एसिड में, ठीक है. तो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम किसका है? दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द लिवर, ठीक है. नेक्स्ट वन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग. अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो हार्मफुल कंपोनेंट है वो बॉडी से रिड्यूस होते हैं, ठीक है. सो द लिवर प्ले, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इन डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी बाय कन्वर्टिंग, ठीक है, अमोनिया. अब अमोनिया को कन्वर्ट करेगा अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इनटू किस में कन्वर्ट करेगा? यूरिया में. और ये जो यूरिया है दैट इज एक्सक्रीट इन द यूरिन, ठीक है, बाय द किडनी. मतलब ये जो अमोनिया है दैट इज इंटर टू द, इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली भी करवाती हूँ तो आप लोग को सही समझ आएगी. अच्छा, दैट इज द लिवर है, ठीक है. अब लिवर के अंदर हमारे पास आएगा अमोनिया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लिवर, लिवर के अंदर आएगा अमोनिया, ठीक है, या ड्रग हम लोग कोई भी ले लें थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है. अब ये जो अमोनिया आएगा, ये अमोनिया में लिवर क्या करेगा? लिवर इस अमोनिया को कन्वर्ट किस फॉर्म में करेगा? इट इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिक एसिड और यूरिया, ठीक है. यूरिक एसिड भी इसको कह सकते हैं, और इसको हम लोग क्या में कन्वर्ट करेगा? यूरिया में. अब यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद इट इज अगेन इंटर, इसको इंटर किया जाता है कहां पर? अगेन इंटर इनटू द ब्लड. अब इसको दोबारा हम लोग एंटर किसमें करेंगे? इसको करेंगे इंटर ब्लड में, ठीक है. और ये जो ब्लड है इसको इंटर करेगा हमारे पास कहाँ पे इंटर करेगा? किडनी में. और फिर किडनी इसको क्या करेगी? इसको एक्सक्रीट आउट करेगी, ठीक है. तो किडनी इज गोइंग टू वर्ड दैट इज द एक्सक्रीट आउट. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विल कॉल्ड एमट. कि हमारे पास लिवर जो है वो हार्मफुल मटेरियल को कन्वर्ट किस करे? क्योंकि अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक,
ठीक है, दैट्स अ टॉक्सिक मटेरियल. अमोनिया जो है वो टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में किया जाता है, लेस टॉक्सिक मटेरियल में, ठीक है, दैट इज बेसिकली यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, सो दैट इज द लेस टॉक्सिक. तो मोर टॉक्सिक को यहां पर कन्वर्ट किधर किया गया, लेस टॉक्सिक में, एंड दैट इज डन इन द यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है. फिर ये जो यूरिया और यूरिक एसिड है इट इज इंटर टू द ब्लड, ठीक है, यहां पर ये चीज जो है वो किधर इंटर होगी, ब्लड में इंटर होगी, ठीक है, और फिर ब्लड जो है वो किडनी के थ्रू क्या करेगा, इसको बॉडी से क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द लिवर, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा द लिवर आल्सो ब्रेक डाउन मेडिकेशन, ठीक है. अब मेडिकेशन एंड ड्रग्स इंक्लूडिंग अल्कोहल, ठीक है, अब इंक्लूडिंग हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्रेक डाउन करेगा लिवर में मेडिकेशन में, तो हमारे पास इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है वो क्या है, अल्कोहल, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हार्मोन इन द बॉडी. तो ये जो मुख्तलिफ मटीरियल है इनके ब्रेक डाउन जो है वो हमारे पास क्या होगी, लिवर में, और ये अभी आपको मैंने अमोनिया की एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया. अच्छा, ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द लिवर, के लिवर की जो ब्रेक डाउन है वो हमारे पास लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन कैसे होती है. कफर सेल आर स्पेशलाइज फेगोसाइट, ठीक है, यहाँ पर जो कफर सेल है दे आर स्पेशलाइज फेगोसाइट. फेगोसाइट जानते हैं ना, फेगोसाइट का मतलब क्या होगा, सॉलिड ईटिंग या जो ईटिंग ऑफ मटीरियल, ठीक है. तो देयर फॉर फेगोसाइट विद इन द लिवर विच इनगल रेड ब्लड सेल, जो कि बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की क्या करता है, इनगल्फ करता है और उसको क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, ब्रेक देम डाउन. कफर सेल जो है वो मेन फंक्शन क्या है कि ये जो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट किस फॉर्म में करता है, ग्लोबिन में एंड आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप में. ग्लोबिन इज डाइजेस्टेड बाय पेप्टाइडेसिस, पेप्टाइडेसिस वाज दैट इज द एंजाइम. यहाँ पर जो पेप्टाइडेसिस है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो दैट इज द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा, तो प्रोड्यूस क्या करेगा यहाँ पर, अमाइनो एसिड. इट प्रोड्यूस व्हाट, इट प्रोड्यूस अमाइनो एसिड, ठीक है, विच आर देयर आइदर रिसाइकल और मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर. मतलब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन होती है, इसको खैर मैं अभी आप लोग को डायग्रामेटिकली समझाती हूँ. रेड ब्लड सेल्स जो है वो बने किस चीज से है, हीमोग्लोबिन से, ठीक है, तो हीम और ग्लोबिन प्रोटीन में ये डिवाइड हो जाएगा. जो ग्लोबिन है वो डाइजेस्ट किया जाएगा कहाँ पर, इसको कौन डाइजेस्ट करता है, पेप्टाइडेसिस एंजाइम. इसको अगेन प्रोड्यूस किया जाता है अमाइनो एसिड में, विच आर आइदर रिसाइकल और मेटाबोलाइज बाय द लिवर. क्लियर यहाँ तक? अच्छा, हीम ग्रुप जो है वो हीम के साथ क्या होता है, खैर मैं तो मैंने आपको अभी ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में करवाया. हीम ग्रुप आर ब्रोकन डाउन इनटू आयरन एंड बिलिरुबिन, ठीक है, जो हीम ग्रुप है वो ब्रोकन डाउन होगा आयरन में और बिलिरुबिन. बिलिरुबिन इज द पिगमेंट ऑफ व्हाट, बाइल. द रिलीज आयरन मस्ट बी कम्प्लेक्स, ठीक है, अब ये जो आयरन है वो कम्प्लेक्स होगा विद इन द प्रोटीन इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑक्सीडेशन, ठीक है, टू अ फेरिक स्टेट. इसको मैं अभी समझाती हूँ आप लोग को. अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है हमारे पास क्या बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल में कि ये जो आयरन है, ठीक है, ये मस्ट कॉम्प्लेक्स होता है.
अब इसको मिलाया जाता है किसके साथ, प्रोटीन के साथ, ताकि इसकी ऑक्सीडेशन ना हो. किस चीज में ऑक्सीडेशन ना हो? फेरिक स्टेट में. ठीक है, आयरन कैन बी स्टोर इन द लिवर विद इन द प्रोटीन शेल और ऑफ फेरेटिन. अब ये जो प्रोटीन शेल के साथ हमारे पास, प्रोटीन शेल के साथ ही क्या होगा, आयरन जो है वो क्या होगा, वो स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर. ठीक है, फिर आयरन जो है कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द बोन मैरो. हमारे पास इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द बोन मैरो वेयर न्यू हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस. जहां पर हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होगा, न्यू हीमोग्लोबिन विद इन द प्रोटीन, एंड दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफरिन. ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ इस डायग्राम में, शायद आप लोग सही समझ जाए. अच्छा, ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, मैं इसको डायग्रामेटिकली करवा रही हूँ कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज द रेड ब्लड सेल्स. अब रेड ब्लड सेल्स जो है, इसकी थ्रू आपको नजर आ रहा होगा, इसको फेगोसाइटोसिस, इसकी बाकायदा तौर पर हमारे पास क्या होती है, फेगोसाइटोसिस होती है. ठीक है, और फेगोसाइटोसिस यहाँ पर कहाँ पे होगी, दैट इज इंक्लूड इन टू द कफर सेल. ठीक है, कफर सेल जो है वो इसको क्या करेगा, इसकी फेगोसाइटोसिस करेगा. फिर फेगोसाइटोसिस करने के बाद ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिससे रेड ब्लड सेल्स बने हैं, वो टूट जाते हैं टू मेन कंपोनेंट में, वन इज फॉरवर्ड, वन इज कॉल्ड हीम. ठीक है, दैट इज द वन कंपोनेंट. ठीक है, और द सेकंड वन कंपोनेंट इज फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबिन प्रोटीन. ये आपको नजर आ रहा है. ठीक है, अब ये जो हीम प्रोटीन है, इसको क्या किया जाता है, ये आयरन में डिवाइड होगा, और हमारे पास किस चीज में डिवाइड होगा, बिलिरुबिन में डिवाइड होगा. अब जो आयरन है, ठीक है, आयरन याद रखिए, आयरन फ्री फॉर्म में कभी भी ट्रैवल नहीं करता, आयरन फर्स्ट स्टोर होता है. ठीक है, और इसको स्टोरेज का काम, जिस तरह मैंने आपको प्रोटीन फंक्शन में करवाया कि आयरन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन साइड द लिवर. लिवर में स्टोर होता है, जब हमें ये रिक्वायर होगा. अब किस फॉर्म में स्टोर होगा, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आयरन है. ठीक है, ये प्रोटीन शेल, और इसके अंदर में ये जो ब्लू है, ब्लू कलर से मैं आपको आयरन, ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में, ताकि इसकी ऑक्सीडेशन ना हो, तो ये जो है आयरन होगा इसके अंदर. ठीक है, और बाहर जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या है, दैट इज द प्रोटीन. अब ये ताकि इसकी ऑक्सीडेशन ना हो, ये कहीं डिसोसिएट ना हो, इसको फेरिक स्टेट ना बने, तो ये खत्म ना हो, इस वजह से ये स्टोर होगा और इस फॉर्म में स्टोर होगा. फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, और इसको कहाँ लेकर जाता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द, कहाँ लेकर जाएगा, बोन मैरो. ठीक है, इनसाइड द बोन. और फिर यही आयरन जो है वो हमारे पास हेल्प करेगा किस चीज की, न्यू रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की, न्यू रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है. क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं इसकी जो नेक्स्ट वन कंपोनेंट है, और नेक्स्ट वन कंपोनेंट क्या है, बिलिरुबिन. के नेक्स्ट वन कंपोनेंट क्या बनेगा, बिलिरुबिन. बिलिरुबिन जो है वो, फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास, मैं आप लोग को पैराग्राफ से डायग्राम बना लेती हूँ. ये मेरे पास है लिवर. ठीक है, लिवर में हेपेटिक डक्ट होता है ऐसे. ठीक है, तो ये मेरे पास जनरली लिवर है. ठीक है, और लिवर के अंदर ये वाला मटेरियल हमारे पास क्या होगा, इसमें होगा हेपेटिक डक्ट, मतलब लिवर का डक्ट. अब ये जो बाइल प्रोड्यूस होगा, अब इस बाइल के साथ लिवर जो है वो क्या करेगा, ये जो बिलिरुबिन है ये बाइल के साथ एक्सक्रीट करेगा, और इसको स्टोरेज फॉर्म में कहाँ लेकर जाएगा, ये जो गॉल ब्लैडर होता है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है गॉल ब्लैडर में. ठीक है, इसको मैं सारे डायग्रामेटिकली आपको दूसरे में भी दिखाती हूँ, दूसरे डायग्राम में भी. ये देखिए यहाँ पर, खैर ये स्टोर हो गया. ठीक है, अब ये देखिए ये जो बाइल है, ठीक है, बाइल हेपेटिक डक्ट के थ्रू, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, इसको इंटर किया जाता है कहाँ पर, हमारे पास गॉल ब्लैडर में. और फिर गॉल ब्लैडर, ये देखिए गॉल ब्लैडर इसकी सीक्रेशन कहाँ पे करेगा, ड्यूडेनम में, और फिर ड्यूडेनम से पे ये क्या होगा, ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. तो फिर इसकी हमारे पास क्या हो जाती है, दैट इज डन इन द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मतलब होगा चीजों का बाहर चला जाना. यहां तक क्लियर है? तो इसी वजह से जो बाइल है वो एक्सक्रीट हो जाता है. रिमेम्बर वन थिंग, एक और चीज, अगर ये बाइल रिमूव ना हो, ठीक है, व्हेन इट्स बिलिरुबिन इज नॉट रिमूव, मुख्तलिफ मटीरियल है. अब ये जो बिलिरुबिन है, लिवर डिसऑर्डर में, लाइक हमारे पास जॉइंटिस है,
अब ये बिलरुबिन जो है दैट इज द इंटर, ये बिलरुबिन जो है अगर सम टाइम डिजीज कंडीशन में इट इज इंटर टू द ब्लड, अब होने के बाद ये क्या काज करता है, फॉस्फेट जॉइंटस, ठीक है, डिजीज है जिसको हम लोग पीला यकान भी कहते हैं उर्दू में, और या इसको हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल्ड मड हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए ही इसको कह सकते हैं। तो जॉइंटिस इसको हम लोग नॉर्मली इंग्लिश में कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, नॉर्मली इसको नेक्स्ट लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस ए, या जिनके उर्दू में इसको क्या कहते हैं, विल कॉल्ड व्हाट, पीला यकान। तो ये कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो बाइलरुबिन है, अगर ये बिलरुबिन जो है वो इंटर ना हो ब्लड में और ये बॉडी से बाहर ना जाए, जैसे मैं आपको फंक्शन में करवाया, तो ये क्या करेगा, ये डिजीज काज करता है, और ये जब ब्लड में इंटर हो जाता है बिलरुबिन, ठीक है, तो इट कॉज व्हाट, इट कॉज डिजीज, और वो डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड व्हाट, जॉइंटिस और हेपेटाइटिस ए। तो इसको मस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव करना है, और दैट इज अकर इनसाइड द ब्लड, इसका काम क्या है, ये कहाँ पे होगा, लिवर में। तो मैं आपको अभी करवा भी गया कि जो ब्लड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन होना, और फिर इस ब्रेक डाउन से जो टॉक्सिक चीजें मिल जाती हैं, बिलरुबिन बन जाता है, फिर उसको बॉडी से रिमूव करने का काम किसका है, लिवर का, एंड दैट इज डन इन द लिवर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट वन आते हैं सेवन वन फंक्शन पे, एंड दैट इज हीमोबायोटिक फंक्शन। अच्छा, द हीमोबायोटिक फंक्शन, हीमोबायोटिक का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब हीमोबायोटिक माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक है, दैट इज इन द फीटल लिवर। अब याद रखें जो फीटस का लिवर होता है, फीटस किसे कहते हैं, वो चाइल्ड जो अभी पैदा नहीं होता, फीटल लिवर जो है वो इज क्रिएटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स डिफरेंट एपिथीलियल, ठीक है, डिफरेंट एपिथीलियल एंड मेसेनकाइमल सेल। फीटस का जो लिवर होता है वो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब ये जो है वो फीटस किसे कहते हैं, ये खैर मैं आपको अभी यहाँ पर इसकी वो भी करवा देती हूँ, अगर सबको खैर मैं तो क्लास में वो करवा भी चुकी हूँ, अनबॉर्न बेबी, ठीक है, अनबॉर्न मतलब वो बच्चा जिसके भी पैदाइश नहीं होगी, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड मच फीटस, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग फीटस कहते हैं। अब ये जो मेसेनकाइमल सेल टाइप्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास उसकी जो मेसेनकाइमल है और एपिथेलियल सेल जो लिवर में मौजूद होता है, वो बेसिकली क्या काम करता है, रेड ब्लड सेल्स की बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट वन फंक्शन क्या है, कि दे प्रोड्यूस डिफरेंट साइटोकाइन, ठीक है, कीमो अट्रैक्टेंट, ठीक है, साथ साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट है एंड सो फोर्थ। ये हमारे पास इट इज डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द हीमोबायोटिक सेल। अब हीमोबायोटिक सेल्स में ये क्या करेगा, ये इंटरैक्ट करेगा, और इसका काम क्या है कि फंक्शन का, जो बेसिकली दैट प्रोवाइडिंग द फंक्शन ऑफ द लिवर एज अ हीमोबायोटिक ऑर्गन, जिसकी वजह से हम लोग कीमो साइटोकाइन और कीमो अट्रैक्टेंट की वजह से हम लोग जो है वो लिवर को क्या कह सकते हैं, वी विल कॉल्ड इट बट हीमोबायोटिक ऑर्गन, बट एट द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट। प्रीनेटल का मतलब होता है पैदाइश से पहले, ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है प्रीनेटल, तो प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पैदाइश से पहले हमारे पास इसका काम होगा। अच्छा, टू डेट, ठीक है, ये जो अकॉर्डिंग टू एनसीबीआई रिसर्च के मुताबिक द निच फॉर हीमोबायोटिक स्टेम सेल इन द फीटल लिवर हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द सफिशिएंट डिटेल, मतलब अभी भी हमारे पास सफिशिएंट डिटेल चाहिए और इसको मजीद फर्दर स्टडी इसको चाहिए, ताकि हम लोग पहुंच सकें द डीपर इंसाइट टू रोल द डिफरेंट सेल पॉपुलेशन इन द रेगुलेशन ऑफ हीमोबायोटिक, ठीक है, अब हीमोबायोटिक एंड हेपेटोसाइट डिफ्रेंशिएशन, के कैसे अभी भी इसको मजीद स्टडी रिक्वायर है, कि पहले कैसे ये जो लिवर के सेल हैं ये रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं और फिर आफ्टर सम टाइम जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप के नॉर्मल फंक्शन में, तो अभी भी स्टिल इसको स्टडी रिक्वायर है। और ये जो स्लाइड है, ये हीमोबायोटिक फंक्शन, ये मैंने एनसीबीआई रिसर्च पेपर से लिया है, अगर आप लोग मजीद सर्च करना चाहते हो तो आप लोग जो है वो एनसीबीआई रिसर्च पेपर की तरफ जाए, ठीक है। अच्छा, थैंक यू, अगर यहाँ तक कोई पॉइंट समझ में नहीं आया
या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुझे काइंडली क्वेश्चन से आगाह कर दे, और आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी कर सकते हो और जीमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ तक आज के लिए काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।